इसको आगे पीछे करेंगे तो हार बजने लगेगा। और ये प्रेशर का दिखता है, गार्ड साइड में ज़्यादा बहरहाल कुछ नहीं रहता है। और ये स्विचेस लगे होते हैं, हाँ गार्ड का इमरजेंसी हैंडल ये होता है। इसको जैसे ही अप्लाई, ये देखिए यहाँ पे डिस्प्ले, यहीं पे इस पर गाड़ी में पूरा सिस्टम में पूरी गाड़ी का सिस्टम दिखाता है कि गाड़ी कहाँ पे कैसे है, क्या चल रहा है कि नहीं चल रहा है, कोई गड़बड़ी है। चलिए दोस्तों, आज हम आप लोग को दिखाते हैं कि ट्रेन में लीकेज होता है तो उसमें कैसे उसको ठीक करते हैं। चलिए आज हम आप लोग को एक गाड़ी पे चलते हैं और वहाँ पे दिखाते हैं आपको। अभी चल रहे हैं गाड़ी पे, आप देख सकते हैं सामने गाड़ी है। चलो ऊपर चलते हैं। लीकेज बाद में बताएंगे, पहले चलते हैं हम आपको बता देते हैं कि यहाँ पे ये देख लीजिए, ये जो लगा है इसमें आईडी डाली जाती है जो ड्राइवर की होती है। उसके बाद ये यहाँ पे देख सकते हैं रेट बताता है कहाँ से कहाँ तक गाड़ी जाएगी, ये पूरा बताता है, ये प्रेशर है। और यहाँ से जो अनाउंसमेंट करता है ड्राइवर, आप देख सकते हैं इसको, अनाउंसमेंट करता है कोई भी, अगर ड्राइवर को कोई भी दिक्कत होती है तो इस पर इमरजेंसी में कॉल करके बात कर लेता है। आप स्पीडोमीटर देख सकते हैं यहाँ पे, गाड़ी कितनी स्पीड में चल रही है ये बताता है यहाँ पे। और ये देख लीजिए यहाँ पे ड्राइवर की आईडी यहाँ पे डालेंगे तभी ये गाड़ी स्टार्ट होगी, यानी कि ड्राइवर को गाड़ी को डालना है यहाँ पे, बिना गाड़ी की ड्राइवर की गाड़ी चले यहाँ पे, ड्राइवर की गाड़ी नहीं समझेगी यहाँ पे ड्राइवर है। और यहाँ पे देख लीजिए यहाँ पे बहुत सारी स्विचेस दिए गए हैं, ये सारे स्विच हैं। और आपको सबसे पहले बताएं यहाँ पे इसमें चाबी को लगाया जाता है, जो गाड़ी की चाबी होती है ये यहाँ पे गाड़ी की चाबी को लगाया जाता है, आप देख सकते हैं यहाँ पे एकदम पास से। और ये है गाड़ी को फॉरवर्ड रिवर्स करने के लिए, ये देखिए यहाँ पे फॉरवर्ड लिखा है और रिवर्स लिखा है। उसके बाद ये गाड़ी का हैंडल है एक प्रकार से बोल सकते हैं, क्योंकि इसको जैसे ही पुश करेंगे आगे की तरफ वैसे गाड़ी आगे बढ़ने लगती है। अभी गर्मी बहुत लग रही है तो यहाँ पे चलते हैं कैब फैन, यानी कि ये देख लीजिए कैब फैन के बटन लगी है, इसको ऑन करते हैं तो फैन चालू हो जाएगा। अभी उस साइड भी चालू हुआ, इस साइड का भी फैन चालू हो जाएगा, देख लीजिए फैन चालू हो गया है यहाँ पे, आप देख लीजिए। और ये है इमरजेंसी हैंडल, जैसे इमरजेंसी में आपको हैंडल आना तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दिया गया है, गाड़ी अचानक से रुक जाएगी। इमरजेंसी ये बटन है कि गाड़ी जैसे कोई इमरजेंसी है, गाड़ी पे काम करना है तो इमरजेंसी लगा के आप गाड़ी पे काम कर सकते हैं इससे। ये देख लीजिए प्रेशर, बिना प्रेशर के हुए ये गाड़ी आगे नहीं बढ़ती, यहाँ पे देख सकते हैं प्रेशर ऊपर नीचे हो रहा है अभी, आप देख सकते हैं यहाँ पे। ये देखिए गाड़ी पे उस साइड पे कैब टू में काम चल रहा है अभी। तो इस प्रकार से गाड़ी का लुक होता है। और चलते हैं आपको गाड़ी के, यहाँ पे एक लॉन्ग बुक दिया होता है ये गाड़ी की, जैसे ड्राइवर को कोई दिक्कत आई गाड़ी में तो वो इसमें लिख देता है। उसके बाद जैसे जो कर्मचारी होते हैं वो आके यहाँ पे देखते हैं कि हाँ ड्राइवर को कोई रिपोर्ट आई है तो उसको आके वो ठीक करते हैं। अभी देखिए यहाँ पे रिपोर्ट आया था, आप देख सकते हैं यहाँ पे कितना सारा रिपोर्ट आया, 16 तारीख का रिपोर्ट है और यहाँ पे आके अटेंड किया गया, इसको ठीक किया गया है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो
आपको बता देते हैं, यहाँ पे गार्ड रहता है, ये होता है हॉर्न, इसको आगे पीछे करेंगे तो हॉर्न बजने लगेगा। और ये प्रेशर का दिखता है, गार्ड साइड में ज़्यादा बहरहाल कुछ नहीं रहता है, और ये स्विचेस लगे होते हैं। हाँ, गार्ड का इमरजेंसी हैंडल ये होता है, इसको जैसे ही अप्लाई, ये देखिए यहाँ पे रिलीज लिखा है अप्लाई, यानी कि इधर ऊपर के साइड कर देंगे तो ये अप्लाई हो जाएगा हैंडल। और ये होता है जहाँ जिस स्टेशन पे गाड़ी को रुकना होता है वहाँ पे इसको, इसमें लिखा होता है कौन से स्टेशन पे जाएगी, बस इतना लिखा होता है गाड़ी में, यही ऐसे टाइप होता है। और यहाँ पे कुछ पीछे आप देख सकते हैं, पीछे कुछ स्विचेस दिए होते हैं, और ऊपर एक फैन इधर लगा होता है और एक फैन इधर लगा होता है दोनों जगह पे। और ये ड्राइवर का हॉर्न ये होता है बस। और ये आपको एक बटन दिख रहा होगा, इससे क्रूज कंट्रोल, इससे ना ड्राइवर जैसे गाड़ी को स्पीड में लेके जा रहा है, 20 स्पीड में चलाना है तो 20 की स्पीड पर करके इसको बटन को ऑन कर देगा तो गाड़ी इतनी स्पीड में चलेगी। हाँ, लेकिन ड्राइवर को ये मास्टर कंट्रोलर इसको पकड़ के रखना होगा, ड्राइवर अगर इसको छोड़ देता है तो गाड़ी ऑटोमेटिकली रुक जाती है। तो दोस्तों अभी देख लिए हैं यहाँ पर, इस गाड़ी में अभी लीकेज तो दिख नहीं रहा है कुछ, तो चलते हैं, अभी हमको लीकेज अटेंड करने की ड्यूटी मिली है, तो चलते हैं उस कैब टू में, देखते हैं कि लीकेज है कि नहीं है। तो आप लोग बने रहें, चलते हैं आपको कैब टू में लेके चलते हैं, वहाँ पे आपको सब कुछ दिखाते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे गाड़ी आ रही है, तो ये होता है गाड़ी का मोटर, आप देख सकते हैं यही मोटर है, ट्रेन में जो मोटर लगा होता है यही होता है। ये है ट्रांसफार्मर, देखिए ट्रेन में इतना बड़ा ट्रांसफार्मर लगा होता है, आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये देख लीजिए नीचे आपको दिख रहा होगा यहाँ पे। इसको आपको नीचे के बारे में, गाड़ी का एक एक पार्ट्स के बारे में अगले वीडियो में आपको बता दिया जाएगा। आप सभी लोग चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पंद्रह डिब्बे की गाड़ी है, 15 डिब्बे के आगे हमको चलना है, यानी कि लास्ट कोच में चलेंगे तो वहाँ पे हमको मिलेगा डी कैब। डी कैब में ही चेक करना है हम लोग को कि गाड़ी में लीकेज किस साइड है, किधर लीकेज है, लीकेज को अटेंड करना है, ठीक करना है। जैसे बारिश होती है तो बारिश में दिक्कत होती है ना गाड़ी को चलने में, या ड्राइवर के पास पानी गिरता है तो जो इक्विपमेंट लगे हुए हैं, इलेक्ट्रॉनिक सामान सब लगे हैं, क्योंकि गाड़ी पूरा इलेक्ट्रॉनिक्स पे ही चलती है, लाइट से ही चलती है, तो दिक्कत होती है, तो इसलिए अभी लीकेज है तो उसको चलते हैं ठीक करते हैं। ये गन लिए हैं, गन से RTP लगा हुआ है, इसी से उसको ठीक करेंगे। इसी में चलना है उनको, चलते हैं देखते हैं कोई है तो नहीं। अभी हम कैब टू में आ चुके हैं और इसमें भी कोई लीकेज है नहीं, अभी दिख नहीं रहा है, तो इस प्रकार से गाड़ी बिल्कुल ठीक है सब कुछ। तो फ्रेंड्स अभी गाड़ी में सब कुछ ठीक चल रहा है, गाड़ी में कोई दिक्कत नहीं है, चेक कर लिए हैं। तो आप सभी लोग देख सकते हैं यहाँ पे कैब टू का है, ये कैब टू का नज़ारा आप देख सकते हैं इधर से। और ये जो पैर इधर, ये हॉर्न होता है गाड़ी का, इसको जब कुछ करेंगे तो हॉर्न बजेगा गाड़ी का, तो इधर से गाड़ी चलती है, ड्राइवर इधर से ही चलाता है।
अभी लुक कही जाए आप लोग बिल्कुल एकदम सॉफ्ट दिखता है ड्राइवर को, देख सकते हैं CMU हार्ड, यानी कि यहाँ पे गाड़ी को इससे पहले ही ड्राइवर को रोक देना। तो फाइनली चेक कर चुके, अब चलते हैं दोस्तों। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और हाँ अगर आपको ऐसी वीडियो चाहिए तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलते हैं दोस्तों, जय हिंद।